students again i'm here with a new lecture of the same chapter microorganism that is lecture number 5 and it's also a last lecture of this chapter microorganism so in this chapter we are going to learn about some um, topics and these topics are these topics are food preservation methods of food preservation and nitrogen cycle the three topics we are going to discuss in this lecture so let's start from the food preservation food poisoning i have explained in the last chapter in this um, in last lecture in this lecture we are going to discuss about these three topics so let's start from the food preservation first is food preservation the process of treating and handling food with an aim to stop or grow down its spoilage while maintaining its nutritional value texture and flavor फूड प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं प्रिजर्वेशन मीन्स होता है किसी चीज को बचाना तो किसे हम बचा रहे हैं फूड को मीन्स अपने फूड को स्पॉयले से माइक्रो ऑर्गेनिजम के द्वारा से बचाने को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं द मेथड ऑफ हैंडलिंग चीज़ों को हैंडल करना फूड को ऐसे ट्रीट करना जिससे उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या उसका जो टेक्सचर है बनावट है या टेस्ट है वो बिना खराब हुए हम अपने फूड को ज़्यादा दिन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए रखें दैट इज फूड प्रिजर्वेशन द मेन कॉज ऑफ स्पॉयलेज द मेन कॉज ऑफ स्पॉयलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगजाई कि जो मेन कॉज होते हैं फूड को सड़ने का कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं जिसके कारण हमारा फूड स्पॉयल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा फूड का स्पॉयलेज होता है तो अगर हम इनके ग्रोथ को रोक दें या इनका इंट्रेंस को रोक दें तो हम फूड को ज्यादा समय तक बचाए रख सकते हैं वे आर इवन दे गेट प्रॉपर कंडीशन ऑफ फूड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दे स्टार्ट ग्रोइंग क्योंकि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से वहाँ सरवाइव करते हैं जहाँ उन्हें उनके लिए सुटेबल कंडीशन मिल जाए सो कैन बी प्रिजर्व फूड बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर तो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम फूड के टेम्परेचर को और उनमें जो मॉइस्चर है उन्हें कम कर दें या कंट्रोल कर दें बिकॉज ऑन द हाई टेम्परेचर एंड ऑन वेरी लो टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव बहुत कम या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वेरियस मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर बेस्ड ऑन आईदर ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक अप्रोचेज जो बहुत सारे मैथड मैं आपको बताने वाली हूँ फूड प्रिजर्वेशन के वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं दीज आर बैक्टीरियो साइडल मैथड बैक्टीरियो साइडल मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिजम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज आर फुल इलिमिनेटेड यूजिंग समेबल टेक्निक फॉर एग्जाम्पल कुकिकिंग एंड कैनिंग बैक्टीरियोसाइडल मेथड में क्या होता है कि फूड को या तो कुक कर लिया जाए अच्छे से और या तो कैन कर ले मतलब ऐसे कंटेनर में स्टोर करें जहां मॉइस्चर ना हो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए और फूड कुक करने पे क्यों नहीं ग्रो करेंगे क्योंकि टेम्परेचर रेज हो जाएगा और अभी बताए कि मोस्टली बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट इज बैक्टीरियो स्टैटिक मेथड कंडीशन आर क्रिएटेड दैट आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो हम क्या करें कि खाने को कुक कर लें या कैन कर लें या उसमें कुछ ऐसी चीजें डालने कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट करने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो सूटेबल कंडीशन ना और वो survive ना कर पाए दीज आर सॉल्टिंग कि हम उसमें सॉल्ट ऐड करें पैकेजिंग अच्छे से पैकिंग करें और डीप फ्रीज कर दें आपने देखा है कि गर्मी के दिनों में अगर खाना सुबह बना देते हैं उसे कुक कर देते हैं तो उस क्या करते हैं फिर उसे बाहर नहीं छोड़ते शाम तक उसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठीक है या जिन चीजों को ज्यादा दिन तक चलाना होता है उसे डीप फ्रीज में फ्रीजर में डाल देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जहाँ टेम्परेचर लो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते और हमारा फूड इस पॉइलिस से बच जाता है और सॉल्ट एंड शुगर वाटर इज एडेड इन आवर फूड इट्स नॉट ओनली फॉर फ्लेवर इट्स नॉट ओनली फॉर टेस्ट दीज आर ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे खाने में हम सॉल्ट या शुगर या विनेगर डालते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं डालते ये फूड भी होते हैं। अभी बताया या तो बहुत गर्म कर दें या तो ठंडा कर दें बॉइलिंग ऑफ मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मिल्क को बॉइल करके क्या करते हैं पेस्टराइजेशन कहते हैं इस मेथड को भी आगे बताते हैं आपको आपने देखा होगा नॉर्मली इन न्यू हाउस दैट व्हेन द मिल्क केम जब भी दूध आता है तो मम्मी लोगों से क्या करती हैं बॉयल कर देती हैं क्यों जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो ना कर पाए उसमें सरवाइव ना कर पाए सिमिलरली लो टेंपरेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और बहुत कम टेंपरेचर भी होता है या उसे फ्रिज में रख देते हैं बाद में

फूड को क्या करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं थर्टी मिनट्स के लिए और 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स और 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 या 30 सेकेंड तक एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर और फिर उन्हें ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है सो दैट इज नोन इज द पेस्टुराइजेशन आपने अपने घरों में देखा है कि दूध को गर्म करते हैं फिर थोड़ी देर बाद गैस से उतार देते हैं फिर जब वो नॉर्मल हो जाता है तो उसे फ्रिज में रख लेते हैं और हम उसे कई दिन तक यूज करते हैं ओके सो दिस मेथड इज नोन इज पेस्टुराइजेशन बिकॉज दिस मेथड वॉज डिस्कवर्ड बाई द लुइस पास सो द नेम गिवेन इज पेस्टुराइजेशन नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर स्टोरेज अभी बताया था क्या तो बॉइल करते हैं या तो फ्रीज में डालते हैं तो हीटिंग एंड हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर में क्या हुआ हीटिंग प्रोसेस हुआ बॉइलिंग एंड लो टेम्परेचर स्टोरेज मींस टेम्परेचर को कम कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय लो टेम्परेचर बट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन बी अरेस्टेड टेम्परेचर देखो क्या लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होते ख़त्म नहीं होते बस उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है सो दैट दे कांट एक्ट ऑन फूड प्रोडक्ट एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसने कम टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं कर पाते देखो हम फ्रिज में भी रखते हैं तो टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादातर चीज़ें खराब नहीं होती हैं तो माइनस टेन डिग्री और माइनस एटीन डिग्री तो बहुत कम होता है फ्रूट माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट इन द फूड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई लो टेम्परेचर बट देर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन बी एरेस्टेड बताया कि खत्म नहीं होते उनकी एक्टिविटीज स्लो हो जाती है सो दैट दे कांट एक्ट ऑन फूड प्रोडक्ट एट माइनस तो इसीलिए वो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस और माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव नहीं कर पाते फ्रूट्स एग एंड मीट कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम फ्रूट एग्स और मीट को भी लो टेम्परेचर मेथड से काफ़ी दिनों तक के लिए स्टोर किया जाता है ठीक है हमारे देश में तो मोस्टली फ्रेशली ये चीज़ें अवेलेबल हैं बट जहाँ पे फॉरेन mm, कंट्रीज में मोस्टली यूज़ होता है फ्रोजन थिंग जिसे वो रख के काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन अभी बताया फ्रिज में रखते हैं फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल फिश मीट एग एक्सेट्रा कैन बी स्टोर बाई कीप द टेम्परेचर बिलो फाइव डिग्री सेल्सियस फाइव डिग्री सेल्सियस पर हम mm, जो है टेम्परेचर पे रख के हम अपनी चीजों को सड़ने से बचा सकते हैं नेक्स्ट इज केमिकल मेथड ओके केमिकल मेथड मीन्स ऑब्वियस कुछ केमिकल्स ऐड करके हम फूड को सड़ने से बचा सकते हैं सॉल्ट इडियबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी इन आवर हाउस आव द फूड इज सो एज ए इंग्रीडियंट वी एड समबल ऑयल अभी बताया था कि दीज आर नॉट ओनली फॉर फ्लेवर दीज आर नॉट ओनली फॉर द टेस्ट बट दीज आर ऑल्सो द प्रिजर्वेटिव ये खाने को खराब होने से सड़ने से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से भी बचाते हैं दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव द कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा सल्फेट सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम बाई सल्फेट इज ऑल्सो प्रिजर्वेटिव जिसे बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने में यूज किया जाता है दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस जैम स्क्वैश फ्रूट्स एक्सेट्रा जो हम जैम यूज करते हैं फ्रूट जूस यूज करते हैं जो प्रिजर्व होते हैं बॉटल में आते हैं स्क्वेषज होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ये भी इन इनमें जब पोटेशियम मेटाबाइसलफेट या सोडियम लंजोएट यूज करते हैं सम अदर केमिकल्स आर आल्सो यूज सो दीज आर प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्टेज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस मीट और फिश को काफी दिनों तक प्रिजर्व रखने के लिए कॉमन सॉल्टो जो हम यूज करते हैं नमक एन एसियल इसका भी यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिहाइड्रेशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट को डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और डिहाइड्रेट करने के लिए जैसे पिकल्स आप और आवर मॉम्स और आर प्रिपेयरिंग द पिकल्स अचार बनता है तो सबसे पहले उसमें नमक डाल के उसे धूप में रख देते हैं क्यों क्योंकि जो नमक है वो सारे पानी को जो उसमें वाटर अमाउंट होता है वो सबको डिहाइड्रेट कर देता है एंड एंड मॉइस्चर वाटर इज नॉट प्रेजेंट सो इट्स नॉट अ गुड कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जब अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर नहीं होता तो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंड फूड फॉर द लॉन्ग टाइम और हम फूड को काफी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं अभी बताया ना कि आमला या रॉ करने के लिए या पिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाई शुगर शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है बचा सकते हैं कैसे शुगर रिड्यूज द मॉइस्टर कंटेंट विच इनिबिट्सरिया शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट जो नमी होता है मॉइस्चर होता है पानी होता है उसे कम कर देता है इट कि जो बैक्टीरिया के लिए सूटेबल कंडीशन कंडीशन था था फेवरेबल उसे शुगर ने क्या कर दिया अनफेवरेबल बना दिया सो दैट्स वाई द माइक्रो ऑर्गनिज्म कैन नॉट सरवाइव इन टू द फूड मटीरियल जैम जेलीज एंड आर स्क्शेज आई शुगर सी दीज आधा स्वीट थिंग्स जैम जेली या स्कैशेज जो आप पीते हैं रसना एंड सो मेनी अदर थिंग्स तो ये क्या होते हैं मीठे होते हैं शुगर ऐड होता है और ये शुगर इन्हें सड़ने से बचाता है नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाइ ऑयल एंड विनेगर ऑयल और विनेगर इसका भी यूज करते हैं हम फूड को सड़ने से बचाने के लिए यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन द एनवायरमेंट क्योंकि जहां मॉइस्चर नहीं होता है वहां बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो ऑयल और विनेगर क्या करते हैं एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते और फूड को ज्यादा दिन तक बचाया रखा जा सकता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाई दिस मेथड। वेजिटेबल फ्रूट फिश मीट इन सबको ऑयल और विनेगर ऐड करके हम ज्यादा दिन तक बचा सकते हैं नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाई रेडिएशन रेडिएशन मीन्स लाइट ओके इन दिस मेथड एयर टाइट पैक्ड फूड सब्सटेंसेज एयरटाइट मीन्स जिसमें किसी भी तरह से हवा एंटर नहीं कर सकती आर पास थ्रू रेडिएशन बीम एक लाइट बीम से पास करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइट से लाइट की बीम से जो माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं एंड दिस मैथड इज अंड चीपर ये आसान भी मैथड है और सस्ता भी है इसके लिए आपको किसी स्पेशल चीज के अरेंजमेंट नहीं करनी है एंड लास्ट एंड मेन थिंग इज स्टोरेज इन पैकिंग कि अगर आपने सॉल्ट ऐड किया विनेगर शुगर uh, और सम टाइम वी यूज सम केमिकल्स ये सब किया लेकिन खाने को स्टोर ठीक से नहीं किया पैकेजिंग ठीक से नहीं हुई उसमें कुछ मॉइस्चर रह गया तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा सो ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द

वो फूड को सड़ने से बचाते हैं जिससे उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करें और हमारे फूड को स्पॉयल ना करें इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का क्या करते हैं स्टोरेज पीरियड मीन्स ज़्यादा दिन तक हम उस फूड को रख करके यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ऑप्टेनिंग ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स मींस कि कोई चीज़ मान लीजिए मटर ठंड में होता है समर इज ऑल्सो सो इफ द फूड इज प्रव अगर वो प्रिजर्व है तो हमें हर सीजन में हर तरह के फल और हर तरह की सब्जियां अवेलेबल हो जाती हैं जैसे कि आजकल हमें मार्केट में मिल जाता है सब चीज प्रिजर्व मिल जाता है इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटीरियल ईजियर और जब प्रिजर्व रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाता है नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे साइकिल पढ़े हैं वाटर साइकिल ऑक्सीजन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल ऐसे नाइट्रोजन साइकिल साइकिल मींस क्या होता है कि नेचर में वो चीज खत्म नहीं होती हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है और फिर वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है वॉट इज नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन की का एक चक्र जो कि नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है फिर नेचर को नाइट्रोजन मिल जाता है तो दैट इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल लेट्स सी नाइट्रोजन इज इसशियल कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड विटामिन इन सब का इसेंशियल कंपोनेंट है ठीक है आवर एटमोसेंशियल मीन्स जरूरी आवर हैज हमारे एटमोसफेयर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन गैस पाई जाती है बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एंड इस चेंज फ्री नाइट्रोजन इन टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड देन यूटिलाइज लेकिन जो हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है जिसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसे किस में चेंज करते हैं फ्री नाइट्रोजन को चेंज किया जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में और फिर प्लांट्स उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं फिर उस कन्वर्जन होता है प्रोटीन में प्लांट्स और एनिमल यूज़ करते हैं अगेन दे कम इन टू द सॉयल एंड इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल समटाइम्स ऑल्सो एंड देन अगेन कन्वर्ट इन टू द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन क्यों यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो इट्स पॉसिबल कि हम पूरी रोटी खा लें एक बार में नहीं कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या करते हैं हम उसका बोलस बनाते हैं कॉर बनाते हैं then 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 we uh, take the bolus in our mouth, then the the bolus teeth chew it and salivary glands some digestive enzymes, then they start digesting the food particle. फिर धीमे धीमे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डाइजेशन होता है और फिर हम इससे यूज कर पाते हैं ऐसे जो नाइट्रोजन है वो हमारे नेचर में एक complex फॉर्म में है ओके इट्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो लेट्स रीड द डिफरेंट methods और uh, स्टेप्स नाइट्रोजन साइकिल हैज फॉलोइंग स्टेप स्टेप कुछ step है दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने क्लास सेवन में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगमिनस प्लांट जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन है वो सिंपलर नाइट्रोजन में एक राइजोबियम बैक्टीरिया और सम ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से कन्वर्ट होता है इट इन्व द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इंटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स ठीक है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा और कभी कभी जो एटमोसफेयर में लाइटनिंग होती है उसके द्वारा ये सिंपलर फॉर्म में मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि ये नाइट्राइट और नाइट्रेट किस कन्वर्ट हो रहे होंगे अमोनिया में अमोनीफाइंग बैक्टीरिया अब जो अमोनीफाइंग में कन्वर्ट करते हैं अमोनीट दोटी इन टू अमोन को किस में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया मेंलगेरिस बेसिलस माइसोडिस बेसिलस रेमोस एंड बेसिलस ये सब एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं दैट नाइट्रिफिकेशन अब ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड लेटर इनटू नाइट्रेट्स ठीक है फिर इस नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया को किस कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट्स में ये देखिए ये दीस आर द फार्मूला ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स अभी साइकिल की मदद से हम आपको प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे होता है नेक्स्ट इज डी नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनियम कंपाउंड नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स नाइट्राइट टू मॉलिकुलर नाइट्रोजन फिर से इन्हें किसमें कन्वर्ट कर देता है मॉलिकुलर नाइट्रोजन में और फिर से यह एटमोसफियर फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है दैट एग्जांपल क्या है इसका बैक्टीरिया का दैट इज फिर तो ब्लू ग्रीन एलगी या बैक्टीरिया की मदद से किस में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोसफियरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कन्वर्ट करता है और ये आते हैं कहाँ पे मिट्टी में अब इस मिट्टी से इस प्रोसेस को अभी बताया था मैंने कि दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन नेक्स्ट द कंपाउंड जब ये कंपाउंड आ जाते हैं सॉइल में तो कहाँ इसे कौन यूज करता है प्लांट यूज करते हैं और एनिमल यूज करते हैं कैसे इन प्लांट्स को खा करके फिर जब ये एनिमल ईट प्लांट्स एनिमल प्लांट्स को खाते हैं तो उनमें आता है और फिर जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं या प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर ठीक है कंपाउंड ऑफ एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन इंटू द एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड इज नोन एज द इसे क्या कहते हैं दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नेक्स्ट इज जब वापस से प्लांट्स और एनिमल इसे खाते हैं अमोनी, फिर वेस्ट रिलीज करते हैं दैट इज अमोनिफिकेशन क्या होता है दैट इज अमोनिफिकेशन देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया टू नाइट्रेट अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है तो ये बैक्टीरिया जो यहाँ पाए जाते हैं फिर से इन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोल That is known as the or जो नाइट्राइड और नाइट्रेट बने थे ये फिर से कहाँ आते हैं बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन टू द एटमोसफियर फिर से फ्री फॉम में आ जाते हैं एटमोसफियर में और यहां से फिर एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डी नाइट्रीफिकेशन मीन्स वापस से सिंपलर फॉर्म से जब वो फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में आ जाते हैं सो दैट इज नोन एज द नाइट्रोजन एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल सो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू अब ये चैप्टर खत्म होता है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर से में मिलेंगे आपसे सो so तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग